ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आज प्रस्तुत है श्री दया प्रकाश सिन्हा का लिखा नाटक नागपाश। बेटू बेटू बात कहो ना, पास ही तो बैठा हूं। आज इतवार है, बृहस्पति को रमेश आएगा। बेटू मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, सुनाई नहीं पड़ता? ठंडा हो गया साला, फिर पढ़ने लग गया। अरे बेटू मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। अभी ले आऊंगा पप्पू। क्या आग? मैं मर जाऊं तो ले आना हा? अभी मैं जिंदा बैठा हूँ। तुमसे कौन बात करे? हाँ मैं तो सठिया गया हूँ, सीढ़ी हो गया हूँ। भेजो पागल खाने, ना हो जिंदा ही गंगा में बहा दो। लगे बड़बड़ाने, छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें। मैं तो जैसे लाड साहब का समय बर्बाद कर रहा हूँ। बड़े पढ़ाकू हो, अरे ऐसा ही पढ़ लिया होता तो बाप की ये हालत न होती। इतना कहा, बेटा पढ़ लो। मगर बेटा तो जैसे चिकने खड़े हैं, खेल कबड्डी लफंगई से फुर्सत मिले तब ना। तब नहीं पढ़ा तो अब तो पढ़ लेने दो बप्पू। क्या पढ़ रहे हो? वही बच्चों की किताबें? जबान तो तुम्हारी रुकेगी नहीं, धड़ धड़ रेल सी चलती ही जाएगी। पता नहीं बीड़ी कहाँ रखी है। अरे यहीं तो थी, वक्त पे सब चीजें इधर उधर चली जाती हैं। हाँ ये रही ये रही। ये पढ़ाकू के बाप, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था। पूछो। मैं क्या पूछ रहा था? मैं क्या जानू, दिमाग को न जाने क्या हो गया है। बेटू वही पढ़ रहे हो? बोला कम करो तो दिमाग ठीक रहे। तुम्हारी उम्र कितनी है? बस यही पूछना चाहते थे। 30 और 6। हाँ सुशीला तुमसे 4 साल छोटी थी। जिंदा होती तो 32 साल की होती। 18 में उसकी शादी होती तो 12-1 साल का उसका लड़का होता। मुझे नाना कहता, नाना, और तुझे मामा कहता। मेरी शादी हो गई होती तो मेरा 14 साल का लड़का होता, तुमको बाबा कहता और मुझको पापा कहता। मनुष्य ठूठ। अगर होता होता तो क्या होता? बस होता होता, ना नॉर्मल तेल हुआ है और ना राधा नाची है। अच्छा हुआ जो सुशीला मर गई, अच्छा होता अगर तू भी मर जाता। अच्छा होता अगर? कह दे रुक क्यों गया, कह दे कि तुम भी मर जाते। अरे मैं तो खुद ही कहता हूँ अच्छा होता अगर मैं मर जाता। मुझे पैदा करने से पहले मर जाता। हाँ मैं मर जाता, तुझे बैठा करके ही कौन सा सुख मिल गया है मुझे, कौन सा सुख दिया है मुझको। हमेशा वही सिल्लत, अच्छा होता अगर मैं मर जाता। क्या हुआ? अच्छा होता अगर मैं मर जाता। ऐसे नहीं कहते। किस सख्त हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। ऐसी जिंदगी किस काम की, किसके काम की? मेरे काम की। मैं निकम्मा निठल्ला काम चोर। तुम जैसे भी हो मेरे लिए तो सब कुछ हो। तुम हो तो मांग में सिंदूर लगाती हूँ, तुम हो तो रंगीन कपड़े पहनती हूँ, हंसती हूँ, शादी ब्याह में जाती हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है। तुम मुझसे नफरत नहीं करती? कैसी बातें करते हो, इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो? भाभी भाई साहब से कह रही थी, लाला विरासत में कुछ जमीन जायदाद तो छोड़ नहीं गए, छोड़ गए हैं ये मुश्तंडा हमारे सर खिलाने को। इसे सिवाय हराम की रोटी तोड़ने के कुछ आता ही नहीं। बस इतनी सी बात? तुम्हें ये इतनी सी लगती है? भाभी की जबान ही कड़वी है, फिर हम लोग उनका नहीं खाते। नहीं खाते? मकान के किराए में तुम्हारा भी हिस्सा है, हम लोग अपना हिस्सा नहीं मांगते। है ही कितना। और जो कमी रहती है वो मैं अपनी मेहनत से पूरा करती हूँ। कुनवे भर का दोनों वक्त का खाना बनाती हूँ, तुम्हारी भाभियों के बच्चों को देखती हूँ। सब मेरी वजह से, मेरी वजह से तुमको नौकरानी की तरह इस घर में काम करना पड़ता है। अगर मैं काम करता होता। हर एक को हर चीज नहीं मिलती। तुमको क्या मिला? मुझको तुम जैसा सुंदर राजकुमार सा पति मिला। मैं काली हूँ, तुम
दूध से गोरे, तुम्हारे जैसा सजीला जवान है कोई आसपास? मेरी सखियां मेरे भाग्य पर जलती हैं। साला बप्पू मजा आ गया, बप्पू मजा आ गया। क्या हुआ? बस मजा आ गया, धोबिन ने राजा को बोरे में बंद कर दिया। तो धोबी समझा बोरे में कपड़े हैं, उसने बोरा गधे पर लाद दिया, गधे ने तुलत्ती मारी तो बोरा गिरा धम से, राजा की खोपड़ी बोली बम से। साला बुढ़ा होने को आया, अभी बच्चों की किताबें पढ़ता है। बापू तुम पढ़ो, सच बड़ी मजेदार है। बच्चों की चटपटी कहानियां पढ़कर तो देखो, एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक खत्म ना हो जाए। ये बच्चों की किताबें? बच्चों की हैं तो क्या, पढ़कर तो देखो बापू। मेरी ऐनक नहीं लगती अब, आंख दिखा के नया चश्मा लें तो पढ़ें। ना तुम्हें चस्का लग जाए तो मेरा नाम बदल देना। इतना रुपया कहाँ है जो नया चश्मा लें? शायद रमेश ले दे। बापू देवी के मेले में चश्मे का अस्पताल लगता है, वहां गरीबों को मुफ्त चश्मे बांटे जाते हैं। गरीबों को? हाँ बप्पू तुम्हारी कसम, डॉक्टर आते हैं, नर्सें होती हैं, असली शहर जैसी नर्स, अपने कस्बे की धाई जैसी नहीं। तुमने देखा है? देखा नहीं तो क्या यूं ही? भिखमंगों की लाइन लगती होगी। भिखमंगों की? चश्मे के भिखारियों की। डॉक्टर आंख जांच कर देता है। मैं जाऊंगा भिखारियों की लाइन में खड़ा होने। हैं? मैं तहसीलदार रामचरण का बेटा, मैं जाऊंगा भीख मांगने। बप्पू इसमें भीख क्या है? बाप से भीख मंगवाओगे? नालायक निकम्मी औलाद, और करवाएगी ही क्या। तुम तो सीधे बात करना जानते ही नहीं। कमबख्त मर जाता तो अच्छा था। बस गाली, बुजुर्गों की इज्जत का तो ख्याल ही नहीं है। स्वर्ग में लाला देखकर खुश होंगे। मेरा बेटा भिखारियों की लाइन में खड़ा है, मेरे नाम पर दोनों हाथों से कालिख पोत रहा है। तुम तो मेरी हर बात का उल्टा समझते हो। क्योंकि मेरी खोपड़ी उल्टी है। हाँ उल्टी है। बाप से ऐसी बातें करता है? तुम मानते जो नहीं। हम अपने लाला से आंख नहीं मिला पाते थे, वो इस कमरे में आते थे तो हम दूसरे कमरे में चले जाते थे। गलत थे। अरे उनसे हम लोग क्या, सारा इलाका थर्राता था, बड़े बड़े जागीरदार जमींदार खड़े रहते थे ड्योढ़ी पर, सारे सूबे में मशहूर था तहसीलदार रामचरण का नाम। उनके आगे हम बच्चे लोग तो जाते हुए कांपते थे। एक तुम हो जो बाप को बाप ही नहीं समझते। क्या समझते हैं? उल्लू का पट्टा। हंसता क्या, हंसता क्या, रो रो। क्यों रो है? रो अपने फूटे कर्म को रो। मैं नहीं रोता। नहीं रोता तो रोना पड़ेगा। जब तक भाई साहब थे तेरा पेट पलता रहा, भतीजे नालायक हैं, लेकिन छोटी बहनों की वजह से दोनों का पेट पल रहा है। सब अपने भाग का खाते हैं। अरे तेरे इन लक्षणों पर मेरे मरने के बाद तुम्हारी बुआएं एक पैसा भी नहीं देंगी। तब मगज ठोकना मगज, किस्मत को रोगे और कोई एक पैसा भी नहीं देगा, तब हमारी बातें याद आएंगी। हाँ सब अपने भाग का खाते हैं। निकम्मा साला, भाई साहब से कहकर मास्टर पाया पर नहीं पढ़ना था, नहीं पढ़ा। तुमने कितना पढ़ लिया था? अरे तुम्हारी किस्मत में ठोकरें खाना बदा है तो खाओ ठोकरें। स्कूल से भाग आए, फिर फौज में भर्ती करवाया गोली खाकर मारने, वहां से भी भाग आए। नजाकत की बो बो, बंदूक भारी है मुझसे उठाई नहीं जाती, काहे आलसी कहीं का। अपने को भी तो देखो, मुझी को कहे जा रहे हो। कितना कह सुनकर भाई साहब से फैक्ट्री में कराया, लेकिन वहां भी दीदा नहीं लगा। मैं भी कह दूं तो? अरे जिसके बदन में हरामखोरी लग जाए वो बड़ी मुश्किल से जाती है, बिना मेहनत के रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई है, बस अजगर की तरह पड़े पड़े पेट भरे जाए किसी तरह। तुमने खुद भी तो दूसरों के सहारे रोटी तोड़ते पूरी जिंदगी काट दी, पहले बाबा थे फिर ताऊ जी। बेईमान, बाप से बहस करता है? आप दोनों बुआ रुपया भेजती हैं। बाप कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसे ऐसा कहना चाहिए। मैं तो साफ बात कहता हूँ। बाप की उम्र का भी ख्याल नहीं, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। अरे लाला हुक्का पीते थे, एक बार उन्होंने मुझसे कहा तुम हुक्का क्यों पी रहे हो, उन्होंने छुपकर हुक्का पीते मुझे देख लिया और इतना मारा कि आज तक याद है। मैंने तो नहीं कहा कि तुम हुक्का पीते हो। वो जमाना और था। अच्छा तो ये नया जमाना है। और क्या, अब बाप की तानाशाही नहीं चलती। तो नए जमाने के नए जवान क्या करते हैं? क्या मतलब? नए जमाने के नए सपूत काम करके अपनी रोटी खुद कमाते हैं या हराम की तोड़ते हैं। बदतमीजी और जबान दराजी के लिए जमाना बदल गया है, लेकिन काम करने के लिए नहीं बदला। तुमको भी तो बाबा ने थानेदारी दिलवाई थी,
क्यों भागा है? हम लोग अपनी गलती मानते थे, बाप की गलती बताते नहीं घूमते थे, इसीलिए उनके आशीर्वाद से मेरी गाड़ी चली जा रही है। अरे तेरा क्या होगा? हमें सब मालूम है, तुमने अपने हेडमास्टर को कंबल डालकर मारा था। मैं कहता हूँ मेरी जन्मपत्री बंद कर, समझा? सुनना बुरा लगता है अपने कारनामों को। अरे हमारी तो बीत गई, एक पैर कब्र में रखा है, पके आम है कभी भी टपक जाए। तुम अपनी कर्मपत्री देखो। अपनी क्या देखूं, तुमसे अच्छी ही बीतेगी। भाग फूटा था जो औलाद खोटी पाई। सुनो सुनो, सो रहे हो क्या? सोने दो, उठो जरा, उठो तो। क्या है वो चल रहा है। चोर कहाँ है? चोर नहीं तो कौन? अपना बेटा। हाँ, अपना बेटा। हाँ चल रहा है। हाँ? सो जाओ सो जाओ, हमारे बेटे के चलने में भी बहुत देर है। नहीं सच, ये देखो कहाँ? ये देखो ना कहाँ? अपना हाथ लाओ। हाँ अब देखो देखो देखो, हिल रहा है, महसूस हुआ? ना बाबा ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ये देखो ना, देखो लात मारी, ओ फिर मारी। अरे हाँ सचमुच कमाल है, फिर मारी। अरे वाह बेटा, जन्म से पहले ये हाल है तो आगे तो फुटबॉल के चैंपियन बनोगे। मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी। भगवान करे अक्ल में तुम पर जाए, तुम्हारी तरह हो, समझदार अक्लमंद मेहनती। और सूरत में तुम पर जाए, गोरा तगड़ा सुंदर। क्या क्या सोचा था और क्या निकला। अरे भाग ही फूटे थे जो खोटी औलाद पाई। बबूल के बीज से आम नहीं होता। क्या? बबूल के बीज से आम नहीं होता। अच्छा हुआ जो तेरी माँ मर गई, तेरी हरकतें देखकर बेचारी शर्म से डूब मरती। मेरे कर्म खराब हैं जो भुगत रहा हूँ, वो सती सावित्री थी तभी चल बसी। वो सती सावित्री ना होती तो ज्यादा अच्छा होता। वो जिंदा रहकर तुम्हारे लक्षण देखती। नहीं तब मेरा बाप कोई और होता और मैं तुम्हारी तरह बुद्धू और काहिल ना होता। बाजी बेईमान सुअर, मेरी छड़ी का है, मेरी छड़ी का ले, हराम जादे ले। तुम तो नाराज हो गए, मैं हटना जाता तो छड़ी मेरे सर पर लगती। भागता कहाँ है, खड़ा रहे, जबान में लगाम ही नहीं है। आज छड़ी से तेरी खाल ना उधेड़ दूं तो कहना। हंसता कहाँ है बेशर्म, ले ले हंस हंस। क्या हुआ बेटू? मेरे बेटू तुझे क्या हुआ? आराम, ये तो बेहोश है, बेहोश हो गया मेरा बेटा। पानी पानी। तुमने तो बहुत पानी मुंह पर डाल दिया बप्पू, एकदम भिगो दिया। तू ठीक तो है? एकदम। मैं तो मजाक कर रहा था बप्पू। बेटू ऐसे मजाक मत किया कर। तुम तो घबरा गए। बहुत घबरा गया, ऐसा मजाक मत किया कर बेटा। मजा आ गया। तू बहुत शैतान है, बचपन में भी ऐसी शैतानियां किया करता था। मैं कनखी से देख रहा था, तुम्हारे तो हाथ पांव कांप रहे थे। 7 साल का था तू, तूने भाई साहब से कह दिया बप्पू तांगे से गिर गए, लोग उनको अस्पताल ले गए हैं, वो बेचारे भागे भागे अस्पताल गए। ताहू जी ने मुझको उस दिन मारा था। बचपन में तू बड़ा प्यारा लगता था, भाई साहब के बच्चों से भी ज्यादा सुंदर। तब मैं बहुत मोटा था। गोल मटोल गुड्डे सा लगता था। तेरी माँ तेरे माथे पर बड़ा सा गोल टीका लगाती थी, कहती थी नजर न लग जाए मेरे राजा बेटा को। माँ की मुझे कुछ कुछ याद है। दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर पूछता था बप्पू तू दो, फिर 4 उंगल ऊंची चौखट से कूद कर कहता था तू दे। जैसे बड़ा भारी किला फतह कर लिया हो। मुझे याद है बप्पू, एक बार तुम मुझे मेला दिखाने ले गए थे, मैं बहुत छोटा था, पूरे मेले तुम मुझे कंधे पर बैठाए रहे। याद है, कंधे पर बैठा बैठा मैं चिल्लाता रहा था, मैं सबसे बड़ा मैं सबसे बड़ा। छोटा सा था तू,
3-4 साल का। एक कौवे को उड़ाना चाह रहा था लेकिन वो उड़ नहीं रहा था, तो तूने अपना जूता उतार कर कौवे को दे मारा। कौवा तो उड़ा नहीं लेकिन जूता फेंकने में तू ही गुड़मुड़ाकर गिर पड़ा। मैं तो रोने लगा हूंगा। और क्या, मैंने तुझे उठाया तो तू मेरे सीने से चिपक कर बहुत देर तक रोता रहा। लाला कहते थे बचपन में मैं भी बहुत सुंदर था, मोटा ताजा। इधर तुम बिल्कुल झटक गए हो, गठिया से एक पैर भी खराब हो गया है, वरना 10 साल पहले तक तुम एकदम पहलवान लगते थे। अरे बड़े दंड बैठक लगाई है मैंने, लाला के जमाने में खाया भी बहुत है, अब तो सब सपना हो गया। एक बार 2.5 मन का बोरा तुमने ऐसे उठा लिया था जैसे रुई का बोरा हो। लाला मुझसे बड़ा लाड़ प्यार करते थे, सब जगह अपने साथ ले जाते थे। एक बार अपने जागीरदार साहब के यहाँ ले गए दावत पर। दावत जागीरदार साहब ने बाबा को दी थी? हाँ और क्या, तुम्हारे बाबा तहसीलदार थे, जागीरदार उनकी खुशामद में रहा करते थे। लाला की ही बदौलत जागीरदार साहब की 100 एकड़ जमीन बची थी, नहीं तो सुराजी लोगों ने कब्जा ही कर लिया था। अब तो जागीरदार साहब के बेटे हमको पहचाने भी नहीं। उनके बेटे खुद सुराजी बन गए हैं वोट मांग कर। ये भूल गए कि हमारे बाबा ने उनकी 100 एकड़ जमीन बचाई? बेईमान कहेंगे। मैं भी लाला की तरह अचकन पायजामा पहनकर गया था दावत में। जागीरदार साहब बोले, आइए आइए छोटे तहसीलदार साहब आइए। छोटे तहसीलदार साहब? तेरी माँ कहती थी मेरा बेटा तहसीलदार बनेगा अपने बाबा की तरह। तुम्हें तो बड़ा मजा आता होगा। मैं सोचता था तू अपनी माँ पर जाए तो कुछ बन जाए, पर तू तो मुझ पर चला गया, वैसा ही निकम्मा और आलसी हो गया। ला देखें तेरी किताब। अरे इसमें तस्वीरें कैसी रखी हैं? ला मुझे तो इनको। राम राम राम, कितनी गंदी तस्वीरें हैं। तुम्हारे काम की नहीं है बापू। ये गंदी तस्वीरें, ये तुम्हारी हैं? एक दोस्त की हैं। नंगी तस्वीरें, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहा ना मेरी नहीं है। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। एक दोस्त की है। अरे हम इतने बड़े हुए बुढ़े हुए आज तक नंगी तस्वीरें नहीं देखी। तुम्हें क्या जरूरत थी देखने की? क्या बदजबान नालायक, जो जी में आता है भग देता है, तू मेरा दुश्मन है। न जाने किस जन्म का किस भैर का बदला ले रहा है मुझसे। मुझसे बात मत किया कर, मुझसे बात मत किया कर, सब सब लोगों को अपनी पड़ी कोई किसी नहीं सकता। उसका तो ठंडा हो गया, कहाँ गई सुमनी? ये रही, अरे रुपए कहाँ गए? रुपए कहाँ गए? बेटू बेटू मैं पूछ रहा, रुपए कहाँ है? मैं क्या जानू, यही सुमनी के पास बिस्तर के नीचे 25 रुपए रखे थे। आज छोटी बहन का मनी ऑर्डर आया था, वही थे। जहाँ रखे थे वहीं ढूंढो। देख इस कमरे में मेरे और तेरे सिवा कोई नहीं आता, ये रुपए या मैंने लिए हैं या तूने। मैंने तो नहीं लिए। झूठा बेईमान चोर कहीं का। देख ढाबे वाले को रुपए देने हैं नहीं तो वो खाना बंद कर देगा। निकाल ला, निकाल दे रुपए। तुम्हारी कसम मैंने रुपए नहीं लिए। झूठी कसम खाता है, झूठी कसम खाता है। सच बप्पू मैंने रुपए नहीं लिए। तूने रुपए नहीं लिए तो ला ला अपना हाथ ला, रख मेरे सर पर, अब खा कसम। अगर मैंने रुपए लिए हो तो बप्पू तुम्हारा मरा मुंह देखूं। अगर मैंने रुपए लिए हो तो बप्पू तुम्हारा मरा मुंह देखूं। चंडाल मैं मरूं या जीऊं तुझे से क्या मतलब, मेरी जान इतनी भारी है तले गला घोट दे, गला घोट डाल मेरा, मुझे मार डाल। फाल फाल तुझे ही होगे काल, मैं ही हराम जाता हूँ जो जी रहा हूँ, मैं मरता भी नहीं, मार डाल मुझे, मार डाल। बप्पू बप्पू ये तो बेहोश हो गए, हे भगवान मैं क्या करूं। बप्पू 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 रुपए मैंने चुराए हैं, रुपए मैंने चुराए हैं बप्पू। तुम्हें तो रुपए देने वाले बहुत हैं, मुझे तो कोई फीक भी नहीं देगा। तुम्हारे बुढ़ापे में मैं तो हूं, मेरे बुढ़ापे में कौन होगा, कौन होगा बप्पू बप्पू। बेटू बप्पू Thank you.
नागपाश। अभी आपने श्री दया प्रकाश सिन्हा का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। ध्वनि संयोजन श्री सुदर्शन कुमार ने किया। पात्र परिचय: पिता जैमिनी कुमार वीरेंद्र, पुत्र तरुण माथुर और पत्नी श्रीमती सुलभा अनंत पंचवाग। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।